गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो क्लास इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका मोशन ठीक है ना मोशन में हमने पढ़ा था आपका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम तक पढ़ा था वहां अब हम डिस्कस करेंगे आगे एक्सेलरेशन 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 को आप कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कैसे चेंज होगा इसको आप लोग क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे दैट इज इज इक्वल टू डी वी अपन डी टी यह इस तरह से लिख सकता है एक्सलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी चेंज ऑफ वेलोसिटी ना रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ये वी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये टाइम ठीक है ना तो एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है इसीलिए आपको एक्सेलरेशन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते है डी वी अपॉन डी टी ठीक है ना तो दो टाइप्स का आपका एक्सेलरेशन होगा एक होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दूसरा आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे एक होगा आपका यूनिफॉर्म दूसरा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स आपका फिर से भैया अगर ये कॉन्स्टेड रहेगा डीवी पॉन डी

अनईक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इन अन इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ना या अन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब आपका वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल अमाउंट चेंज होगा अनईक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या अन अमाउंट चेंज होगा इस किस में इक्वल अमाउंट में तो इसको आप लोग क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन का है. ठीक है ना एक्सेलरेशन के लिए आप लोग ग्राफ बना सकते हैं ग्राफ ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पर वी और यहाँ पर टी चेंज कर देना आप वहां पर एस को तो ये बनेगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपका ऐसे बनेगा ठीक है ना तो ये था आपका एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट आप लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड ना डायमेंशन तो इसमें एम तो नहीं होगा एल वन होगा टी माइनस टू होगा क्योंकि आपका एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन के तो आप लोगों ने लिखा एम एल वन यहाँ पर एक और टी तो एक्सेलरेशन का एल वन टी माइनस टू तो ये बनेगा आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन अब हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसको आप तीन मैथड से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम जो है दो मेथड डिस्कस करेंगे एक मेथड आप लोगों ने नाइन में किया है उसको आप लोग देख लेना ग्राफिकल मेथड हम पहले इसमें जनरल मेथड करेंगे इसके बाद इसको कैलकुलस मेथड में करेंगे इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले इक्वेशन होता है v U इसको आप लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको लोग कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहता है या इसको आप लोग लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहता है ठीक है ना सेकेंड एस इज कॉल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र एस मीन आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम रिलेशन इसको आप लोग पोजिशन टाइम रिलेशन भी कहता है इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजिशन टाइम रिलेशन भी कहता है इसको याद रखना पोजिशन टाइम रिलेशन कहता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज वोक्ल टू टू एस इसको आप लोग इस लो कहेंगे वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या डिस्टेंस रिलेशन भी कह सकता है तो इसको आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं ठीक है ना तो इसको डिराइव करेंगे सबसे पहले हम डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस को वेलोसिटी टाइम रिलेशन एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म ही होगा इसमें ठीक है ना mm -hmm. देखो आपका तो आपका बनेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको पता है एक्सेलरेशन आप लोग क्या लिखते हैं वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू ठीक एटी अब ये माइनस यू है इस साइड लेके आओ प्लस यू इज इक्वल टू वी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसको आप लोग कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन लिखा वेलोसिटी रेट ऑफ चेंटीड मल्टीप्लाई प्लस एटी इसको आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम डिस्कस करेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क् अब जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू होगा किसी चीज का एवरेज निकालना है तो आप लोग क्या लिखते हैं समीशन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल आप कहेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग

रिलेशन क्या आ गया आपका s डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 ठीक ये रिलेशन आ गया आपका s डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 s जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है t टोटल टाइम u स्केनल वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी तो आपका वनस्ट तो s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 t यानी ये आ जाएगा अब देखो यहाँ पर इसको मैंने डिराव करना है यहाँ पर कोई वी नहीं दिख रहा ना वी नहीं रहा यहाँ पर वी मुझे निकालना है तो इसमें मैं वी के लिए एक इक्वेशन पुट कर दूंगा वी का वैल्यू पुट कर दूंगा ठीक है ना तो इसमें मैं वी को इलिमिनेट कर दूंगा वी को इलिमिनेट कैसे कर देंगे आप ऐसे लिखेंगे एस इज इक्ल टू यू वी की जगह पर आप लोग लिखो यू प्लस ए टी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये तो लिख सकता है वी का वैल्यू क्या होता है यू प्लस ए टी बाकी यहां पर जगह पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए टी एस इज इक्वल टू यू प्लस टू एस यू प्लस ए टी अपॉन टू इन टू टी एस इज इक्वल टू ठीक है ना तो यहां पर देखो टू यू टी ठीक है ना टू यू इन टी टू यू टी डिवाइडेड बाय टू प्लस ए टी स्क्वाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाय टू प्लस टू दोनों के लिए ए टी स्क्र अपॉन टू ठीक है ये टू ये टू कर कैंसिल कर दो ऐसे जो कॉल तो क्या बनेगा यूटी प्लस ए टी स्क्र अपॉन टू एस एज कॉल टू यू टी तो इसमें वन बाय टू को बाहर निकाल सकते हैं तो ऐसे रख सकते हैं ये भी आपका इक्वेशन सेकंड है या पर टू बाहर निकाल दो तो आपका क्या बनेगा 80 square. तो ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टाइम आएगा आपका यहाँ पर जी टी स्क् उस वक्त आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जी तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो अगले जो है वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और बाय कैल्कुलस मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों ने यूज करना है ओके देन थैंक यू